कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। और आज हम आपको काल नगर सीरीज के चौथे भाग से रूबरू कराएंगे। ध्यान से सुनिएगा। अमित बेटा, राहुल बाबा आ रहे हैं। ये लोग उन्हें मार डालेंगे बेटा। रामदयाल अमित के गले लगकर रोने लगता है। गुनहगार को तो सजा मिलनी चाहिए काका। लेकिन बेटा, राहुल बाबा का क्या दोष? दोष खून का है, उससे जुड़ाव का है। बाप की करनी का हिसाब तो बेटे को चुकाना पड़ेगा काका। रामदयाल फूट फूट कर रोने लगता है। बचा लो बेटा, बचा लो। इस बूढ़े में इतनी शक्ति नहीं रही, लेकिन तुम जरूर कर सकते हो बेटा, बचा लो। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे इसमें कोई दोष नहीं, फिर भी मेरे खून के प्यासे हो चले हैं ये साये। बचा लो बेटा, बचा लो। बचा लो बोलते बोलते रामदयाल बेहोश हो जाता है। काका काका उठो काका। क्या हुआ, बूढ़े के प्राण निकल गए? इसी के साथ साए जोर जोर से दरवाजे खिड़कियां खटखटाने लगते हैं। सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, इतनी आसानी से नहीं मरेगा वो। थोड़ी देर में रामदयाल फड़फड़ाकर उठ जाता है। हमें कुछ करना होगा बेटा। मैं ऐसे तुम दो बेकसूर लोगों की जान नहीं जाने दूंगा बेटा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिक्र मत करो काका, हम में से कोई नहीं मरेगा, पर इंसाफ तो होकर रहेगा। आने दो राहुल को, उसे भी सामना करने दो सच्चाई का, उस हकीकत का, उस जुल्म का जो उसके परिवार ने गांव वालों पर किए। जानने दो उसे इस खून से सनी हवेली का सच। जानने दो उसे ठाकुर सोमेश्वर की हैवानियत का सच। जानने दो काका, शायद यही मौका है। सही कह रहे हो बेटा, ठाकुर सोमेश्वर ने बहुत जुल्म ढाए लोगों पर, हिसाब तो देना होगा। पर राहुल एक बेकसूर है, उसकी जान का क्या? फैसला अब हम नहीं, ये मौत के साए करेंगे काका। जान तो तेरी भी जाएगी बूढ़े, क्यों फिक्र करता है? अपनी फिक्र कर, इस हवेली में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, बाहर निकल, तुझे तेरी मौत नजर आएगी। और सुबह की पहली किरण के बाद अंधेरा छट जाता है और साए लौट जाते हैं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लोकल टाइम इज 6:50 AM एंड द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस अनाउंसमेंट के बाद मेरी नींद खुली। सीट पर कंबल से लिपटा शरीर अकड़ सा गया था। आज कालनगर जाकर देखना होगा और खोदनी होगी जड़े उस रहस्य की जो लंदन तक आ गई। मैं आ रहा हूँ रामदयाल काका, आपको बताना होगा मुझे राज जो मैं कब से जानना चाहता था लेकिन मुझसे हमेशा छुपाया गया। उधर रामदयाल सदमे में आ चुका था, उसके हाथ पैर थरथराने लगे और होठ कंपकपाने लगे। वो लगातार ठाकुर सोमेश्वर की पोर्ट्रेट को देख रहा था, इस बात से अनजान कि क्या होगा जब वापस जाग उठेगा खून का प्यासा कालनगर। टैक्सी। जी साहब। बोलो कहाँ चल रहे हैं? थाने। थाने में कहाँ जाओगे साहब? कालनगर। ड्राइवर सोच में पड़ जाता है। साहब एक काम कीजिए, किराए पर एक गाड़ी ले लीजिए, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। ऐसा क्यों? अब साहब जाहिर है, वो तो खुद ही देख लेना। वो टैक्सी ड्राइवर काफी देर तक ऐसे ही घूरता रहा। मैंने एक कार किराए पर ली और निकल पड़ा कालनगर की ओर। कालनगर जिसका केवल नाम ही सुना था, जहन में जिसकी कोई याद तक नहीं है। बहुत छोटा था मैं जब माँ मुझे लंदन ले आई, वहीं पढ़ा लिखा और अपना बिजनेस शुरू किया, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तब अचानक से ये ख्वाब पीछा करने लगे। माँ भी मुझे अकेला छोड़ गई इस दुनिया में,
और पिता सोमेश्वर सिंह कभी बाहर ही नहीं निकले इस दुनिया से जिसे वो अपनी रियासत समझते थे। थाने पहुंचने में ज्यादा देर न लगी, पर कालनगर वहां से दूर था। हरे भरे जंगलों के रास्ते होता हुआ दोपहर तक बादल भी घिर आए थे और अंधेरा सा होने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। बारिश भी इतनी तेज कि रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। खैर, चलते चलते आ ही गया कालनगर। गांव के बाहर का साइन बोर्ड देखकर मैंने अपनी गाड़ी घुमा दी। ठाकुर सोमेश्वर सिंह की हवेली। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है काका। हाँ, आज से कुछ साल पहले ऐसी ही बारिश हुई थी। कब काका? ठाकुर सोमेश्वर सिंह का दबदबा कायम हो गया था। लोग गांव खाली करने लगे थे। तुम्हारी दादी की बेरहमी से की गई हत्या के बाद लोगों का जीना हराम हो गया था बेटा। क्या हुआ था काका? जिस पेड़ से उसे लटका दिया गया था वो पेड़ अचानक खून से सना रहने लगा। गांव की कुछ बड़ी औरतें बड़ी अमावस की पूजा करने गई थी। पूजा तो शुरू हुई नहीं, पर उस पेड़ से खून की बूंदें टपक रही थी। देखते ही देखते सारी औरतें खून से सन गई, सभी वहां से भागी। तब उन्होंने देखा वो पेड़ जिंदा था, अपनी डालियां हिला रहा था और उसके एक एक पत्ते से खून टपक रहा था। उस दिन खून की बारिश में नहा गया था कालनगर। सोमेश्वर सिंह के आदमियों ने आकर उस पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से लगती उससे खून की धार निकलती और सामने वाले का बदन उस खून में गल जाता। धीरे धीरे वो एक मांस के ढेर में बदल जाता और जमीन उसे सोख लेती। कालनगर की धरती तक अभिशप्त हो गई थी। उस साल खेतों में अनाज तो नहीं हुआ, पर ठाकुर के बगीचे में आम बहुत लगे थे। लेकिन जिस जिसने उन आमों को चखा मौत की नींद सो गया। उन पेड़ों पर डायनों का बसेरा हो गया था। डायन? हाँ बेटा, डायन जो उस राह से गुजरने वाले सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगी। पहले नरभक्षी और अब डायन? हाँ बेटा, उस पेड़ को तो हम सभी काट ना सके। उसे जितना काटा जाता वो अगले दिन उतना ही बढ़ जाता। पर एक रात तुम्हारी दादी दादी हाँ तुम्हारी दादी पहाड़ी के उस पार शमशान की राख के ढेर से जिंदा हो चली। अपनी हथेलियों और घुटनों पर रेंगती हुई खेतों को पार करती हुई गांव वापस आ गई। उस रात मैं हवेली की सारी बत्तियां बुझा रहा था और गांव की कच्ची सड़क पर मैंने उसे रेंगते देखा। पहले लगा कोई जानवर है, फिर गौर से देखा पेटीकोट और ब्लाउज में वही थी तुम्हारी दादी। काला बदन, पीली पड़ चुकी आंखें और बाल जूट की रस्सी जैसे उलझे हवा में लहरा रहे थे। रेंगती हुई वो बड़ के पेड़ पर चढ़ गई और उसी रस्सी से लटक गई। कुछ देर तक तो उसका बदन गर्दन के सहारे रस्सी से उसका शरीर हवा में लटका रहा। फिर अचानक उसका शरीर झोटे खाने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेज तेज, यहां तक कि रस्सी की चरमराहट मैं सुन पा रहा था। पेड़ की डाल जोरों से लहरा रही थी और फिर वो सीधे आसमान में उड़ गई। उसकी उड़ान इतनी तेज थी कि मैं देख ही नहीं पाया वो कहां गई। कुछ देर तक मैं उसी पेड़ की ओर देखता रहा, लेकिन जब वो ना दिखी तो मैं वापस जाने लगा। मुड़ते ही वो मेरे सामने आ टिकी। उसकी पीली पीली डरावनी आंखें, काले काले दांत। मैं डर से कांपने लगा। किशोरी तुम? वो इतना तेज चीखी मेरे कान का पर्दा फट गया, मेरे चश्मे का कांच टूटकर मेरी एक आंख में घुस गया और मैं वहीं दर्द से छटपटाने लगा। फिर वो उड़ गई आम के बगीचे की ओर। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा काका। बेटा, उसे डायन समझकर लोगों ने मार डाला। अब वो उसी रूप में सबसे बदला ले रही है। इसी बीच गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। राहुल बाबा आ गए बेटा, उसे ले आओ, अभी शाम होने में वक्त है, जल्दी करो इससे पहले वो लौट आए। जाता हूँ।
अमित हवेली का दरवाजा खोलता है। सामने राहुल कार से बाहर निकलता है। उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अमित पर पड़ती है और तेज आंधी शुरू हो जाती है। अंदर आ जाओ राहुल, राहुल अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी करो। राहुल हवेली की ओर बढ़ने लगता है। डर से सहमा रामदयाल आवाज देता है, जल्दी आओ, अभी शाम होने में वक्त है। तभी उसकी निगाह घड़ी पर पड़ती है जो तेजी से घूमती हुई 8 बजा देती है। रामदयाल के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। तू कितना मूर्ख है रामदयाल, तू कितना मूर्ख है। हवेली गूंज उठी। उधर हवेली के बाहर अचानक रात गिर जाने पर अमित राहुल की ओर हाथ बढ़ा देता है। राहुल पूरी ताकत से हवेली की ओर भागता है, लेकिन डायने उस पर झपट पड़ती है। कुछ ही पलों में राहुल अमित की नजर से हवा में तेजी से गायब हो जाता है। अमित सन रह जाता है। अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया। दोस्तों, राहुल के साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें